अगर अगर सुनिए, अगर आज ये धोती फाड़ा तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आज ये धोती फाड़ा अपना तो बर्बाद में कर दूंगा, मैं कहना चाहता हूँ। बहुत हो गया, आप तो बगल में ही तो है। नहीं, ये सिर्फ बगल में धोती फाड़ेंगे। जय सीताराम बोलिए। सुनिए, 18 साल जिसने राज किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप लोग खुद समझदार। आज समय आ गया है सदन का, आज हमें लगता है कि एक दिन बचा ही है मात्र। अब जनता को ये हिसाब करना है कि हमारे जो विपक्षी जो दल हैं उसने क्या किया है। बजट सत्र में एक एक दिन बर्बाद करने का काम किया, जनता के जो मुद्दे थे सब दब गया, और युवाओं के जो मुद्दे थे दब गया, रोजगार के जो मुद्दे थे दब गया। अब सदन में आ गए हैं, अब यही है लाउड स्पीकर और आपका डीजे। हम तो कहे क्या, लेके आइए, हम लोग अब डीजे बन के डांस करेंगे सदन में। और मैसेज देना चाहते हैं, बताइए, कपड़ा फाड़ दिया, कुत्ता फाड़ दिया, क्या दिखाना चाह रहा है विधायक यहाँ पर? कपड़ा ले, कपड़ा लेके आता है और बाहर निकल दूसरा पहन लेता है। प्लानिंग करके ये लोग चलता है क्या? ये मजाक नहीं तो क्या है? जनता को देखना है, जनता को समझना है। और मैं कहूँगा कि झारखंड के प्रति इन लोगों को कोई दर्द नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग पहचान नहीं पा रहा है। और रामनवमी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम का जन्म हुआ तो उसको उत्साह के रूप में मनाइए ना। ये नफरत देखिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के विधायक क्या? बेवजह सदन के अंदर एकदम लग रहा है कि राज्य में ऐसा मैसेज आ रहा है, टीवी मीडिया में ये आ रहा है कि बहुत बड़ा हितैषी है भाजपा के लोग। हम लोगों ने कब मना किया कि रामनवमी मत बनाओ? हम लोगों ने कब कहा कि आप जुलूस मत निकालो? रामनवमी निकलेगा ही निकलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।